शिक्षा संकुल में रीट भर्ती को लेकर बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये मीटिंग जारी है। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जरोली भी मौजूद हैं। परीक्षा को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। 26 सितंबर को आयोजित होनी है परीक्षा। 31,000 पदों के लिए आयोजित होनी है ये रीट की परीक्षा। पहले 3 बार स्थगित हो चुकी है परीक्षा। संक्रमण कम होने से इस बार परीक्षा होने की यहाँ पर उम्मीद है। 26 सितंबर की तारीख निर्धारित है। और चलिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी भारत दीक्षित का। भारत बेहद अहम बैठक है क्योंकि परीक्षार्थी इंतजार ही कर रहे हैं कि 26 सितंबर को परीक्षा का आयोजन हो। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई इसे लेकर? देखिए बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी शिक्षा विभाग की यह परीक्षा है और चूंकि 26 सितंबर को आयोजित होने वाली है, इसी को लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल पहुंचे और इसको लेकर बैठक है वो शुरुआत यहां पर हो चुकी है। आपको बता दें इस बैठक में जो बोर्ड अध्यक्ष हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी इस परीक्षा को आयोजित करवा रहा है, वो उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फिलहाल बैठे हुए हैं। 26 सितंबर को ये परीक्षा 31,000 पदों पर आयोजित करवा रही है जिसमें करीब प्रदेश भर के 17,00,000 स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि श्वेता की ये परीक्षा है 3 बार स्थगित हो चुकी है और फिर कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक डर यहाँ पर बैठा हुआ कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कहीं ये परीक्षाएं 4थी बार स्थगित ना हो जाए। लेकिन इस बार कोरोना जो संक्रमण है उसका डर यहाँ पर कम हुआ है। इसको लेकर लगातार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहले भी बैठक कर चुके हैं और इस बार एक मैराथन बैठक है शिक्षा संकुल में शुरू हो चुकी है जिसमें तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। रीट भर्ती परीक्षा की जो तैयारियां जो होनी है, क्योंकि सितंबर का माह शुरू हो चुका है, 26 तारीख को ये परीक्षा आयोजित होनी है, ऐसे में क्या क्या चीज यहाँ पर हो सकती है, परीक्षा के दौरान किस प्रकार की गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई जाए, उन तमाम चीजों को लेकर जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और प्रदेश के तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सबकी निगाह इस बैठक पर मौजूद है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार 3 बार ये परीक्षा स्थगित हो चुकी है, ऐसे में जो भी विद्यार्थी इस रीट परीक्षा को दे रहे हैं उनका जो मनोबल है वो पहले टूट चुका था और कोरोना काल जब आया तो कोरोना काल में तमाम जो भर्ती परीक्षाएं थी वो स्थगित हो गई थी, ऐसे में उनमें रीट भी शामिल थी। लेकिन एक उम्मीद है अब अभ्यर्थियों की जगी है कि ये संशय क्यों बन रहा है 3 बार ये परीक्षा स्थगित की गई, 26 सितंबर की तारीख यहाँ पर तय है और अभी कोरोना को लेकर भी स्थितियां बहुत ठीक राजस्थान में हो चुकी हैं, अभी भी क्या संशय किस बात को लेकर बना है कि परीक्षा रद्द हो सकती है? बैठक में क्या चर्चा हो रही है, क्या तैयारियों को लेकर कैसी व्यवस्था हो ये चर्चा है या फिर कराया जाए या नहीं कराया जाए इस पर चर्चा है? नहीं बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं हालांकि संशय किसी भी प्रकार नहीं है क्योंकि 26 सितंबर तारीख भी यहाँ पर तय हो चुकी है, कोरोना संक्रमण भी यहाँ पर कम हो चुका है। लेकिन जो संशय अभ्यर्थियों के मन में है क्योंकि 3 बार परीक्षा कोरोना के चलते स्थगित हो चुकी है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि अक्टूबर माह में फिर से कोरोना वापस लौट कर आया, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में एक डर है थोड़ा सा कि कहीं कोरोना वापस ना आ जाए। हालांकि अभी जो फिलहाल जो बैठक हो रही है वो रीट भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर हो रही है, किस प्रकार से, क्योंकि 17,00,000 आवेदन इस भर्ती परीक्षा के लिए आए हैं, तो एक बड़ा फिगर निकल कर आता है क्योंकि प्रदेश भर में तमाम सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, 17,00,000 स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं तैयारियों को लेकर बैठक है आयोजित यहाँ पर करवाई जा रही है और हो रही है और बोर्ड अध्यक्ष जो डीपी जारोली है वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और जहाँ तक की हमें सूचना मिल रही है कि 26 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। जी बिल्कुल, और क्योंकि बैठक ये जारी है, बैठक कब तक चलेगी भारत? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की, जैसे मैं बता रहा था श्वेता, कोरोना काल के बाद एक बड़ी परीक्षा क्योंकि 31,000 पदों पर ये भर्ती परीक्षा होनी है, ऐसे में 17,00,000 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है उनकी तमाम जो तैयारियां हैं, किस प्रकार से परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां यहाँ पर है, स्टूडेंट्स कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, क्योंकि 17,00,000 एक बड़ा फिगर होता है, फिर देश भर में तमाम परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, तो उसी पैटर्न को लेकर उसी परीक्षा की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित करवाई जा रही है जिसमें खुद शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद है, बीकानेर निदेशक सौरभ स्वामी इसमें मौजूद हैं, जो बोर्ड अध्यक्ष है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर डीपी जारोली वो इस परीक्षा में मौजूद है, तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस प्रकार से इस भर्ती परीक्षा का सफल आयोजन हो सके क्योंकि एक बड़ी परीक्षा है और तमाम प्रदेश भर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सभी की जो निगाहें हैं वो रीट भर्ती परीक्षा पर टिकी हुई है। जी श्वेता।